Our next topic is longitude. So first of all, what are longitude? To fix the position of a place, it is necessary to know something more than latitude of that place. And you can see, for example, that Tonga Island in the Pacific Ocean. Pacific Ocean में जो Tonga Island है वो and the Mauritius Island in the Indian Oceans are situated on the same latitude. वो दोनों ही same latitude पे situated है. Now in order to locate them, previously we must find out how far east or west these places are from given line of reference running from the North Pole to the South Pole. These lines of reference are called the meridians of longitudes. And the distance between them are measured in degree of longitudes. यहाँ पे मैं आपको एक फिगर के थ्रू प्रॉपरली एक्सप्लेन करती हूँ. यहाँ पे देखिए, ये जो बीच का ये जो पोर्शन है उसको, जैसे कि हमने क्या लैटिट्यूड में क्या पढ़ा था कि इक्वेटर है उसका उसका इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसी तरह यहाँ पे प्राइम मेरिडियन है वो उसका इम्पोर्टेंट पार्ट है लॉन्गिट्यूड का. तो वो जो है वो इजीली डिग्री में मेजर कर, वो भी डिग्री में, और उसको डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड बोलते हैं. ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इंटू मिनिट्स एंड मिनिट्स इंटू सेकंड. यहाँ पे ये जो डिग्री है वो आप देखिए, ईच डिग्री को मिनट में और मिनट को सेकंड में डिवाइड किया है. एंड दे आर सेमी सर्कल एट द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीज इज स्टेडीली पोल वर्ड्स इन अंटिल इट बिकम्स जीरो एट द पोल्स एंड वेयर ऑल मेरिडियंस आर मेट. तो यहाँ पे क्या होता है कि उन लोग जो डिग्रीज है वो डिग्रीज बारी बारी से डिक्रीज होती जाती है. और कहाँ पे डिक्रीज होती है, जहाँ पे यहाँ पे जो प्राइम मेरिडियन का यहाँ पे जो जीरो है, जहाँ पे वो सारी डिग्रीज एक जगह पे इंटरसेक्ट होती है वहाँ पे मिलती है. अनलाइक पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ. जो ऑल मेरिडियंस है अनलेंथ भले, क्योंकि क्या है कि कहीं अर्थ है उस पर कहीं भी प्लेस है, तो कहीं है 20 डिग्री नॉर्थ, कहीं है 60 डिग्री नॉर्थ, उसी तरह से अलग अलग प्लेस है, अलग अलग जगह पे लोकेट किए हुए हैं. तो अगर वो अनलाइक पैरेलल्स है, अगर वो सेम नहीं होंगे, तो जो हम टाइम डिसाइड करेंगे तो अलग जगह का डिफरेंट आएगा. थस इट वॉज डिफिकल्ट टू नंबर दैट मेरिडियन. हेंस ऑल कंट्री डिसाइड दैट द काउंट शुड बी बिगेन फ्रॉम द मेरिडियन विच पासिस थ्रू द ग्रीनविच. अब सब लोग जब ये डिस्कशन हो रहा था कि किस तरह से हम मेरिडियन को करें और कहाँ पे वो प्राइम मेरिडियन को रखें, तो आपस में डिस्कस हुआ था. उसी टाइम पे उन्होंने डिसाइड किया था कि भले ही डिग्री पैरेलल हो, पर उन दोनों के बीच का जो मेजरमेंट है वो इक्वल रहना चाहिए. तो द मेरिडियन विच पासिस थ्रू द ग्रीनविच द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड, दिस मेरिडियन इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन एंड इट्स वैल्यू इज 0 degree लॉन्गिट्यूड. फ्रॉम इट वी काउंट 180 ईस्टवर्ड एंड 180 वेस्टवर्ड. यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं, जीरो से यहाँ पे 180 और यहाँ पे 180 है. तो द प्राइम मेरिडियन एंड 180 मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ. वो जो प्राइम मेरिडियन है वो इसी तरह से ये एक पार्ट और ये दूसरा पार्ट, उसी तरह अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं. एंड द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर. तो एक वाला पार्ट है वो ईस्टर्न वाला पार्ट है तो उसको ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और अनदर पार्ट है वो वेस्टर्न साइड है तो उसको बोलते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर. देयरफॉर द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज फॉलो बाय द लेटर ई फॉर द ईस्ट and letter W for the west. It is however interesting to note that 180 east and 180 west meridians are on the same line. तो उसी तरह से वो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक ये भी हो जाएगा कि चलो सोचिए कि 180 डिग्री ईस्ट पे है और उसी तरह वही प्लेस, उसी तरह अनदर प्लेस सेम 180 डिग्री वेस्ट पे है, तो दे आर ऑन द सेम लाइन. नाउ लुक एट द ग्रिड ऑफ द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स. So this grid, parallel of latitudes and meridians of longitudes in the globe. You can locate any point on globe very easily if you know its latitudes and longitude. आपको कोई भी place है वो अर्थ पे locate करना है, तो if you know its latitudes and longitude, it can easily locate any point on a globe. For example, Dhubri in Assam is situated in 26 degree north latitude and 90 degree east longitude. So find out point where these two lines cut each other, that point will be the location of Dhubri. I will show by the example. Suppose यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक है, यहाँ पे example था Dhubri का, वो 26 degree north में है और उसी तरह 90 degree
ईस्ट लॉन्गिट्यूड में है। तो ये दो यहाँ पे आपको ये ग्रिड के थ्रू लाइन खींचे तो दो लाइन एक जगह पे कहीं पे भी कट होती हैं, तो वो अगर इसका लेटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड सेम आपको पता हो तो जो और वहाँ पे वो जो एक जगह होती है वहाँ पे वो दो लाइन कट होती है, तो उस प्लेस को आप इजीली लोकेट कर सकते हैं। बट यू नो देयर लॉटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड, दैट्स वाई यू कैन एक्सप्लेन एंड लोकेट द इजिली द प्लेस ऑन द अर्थ। टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली ड्रॉ द इफ इट्स इट्स वर्टिकल्स एंड हॉरिजॉन्टल लाइन्स ऑन अ पेपर, लेबल द वर्टिकल। यहाँ पे आपको ये एक एक्टिविटी के थ्रू किया है, आपको एक ग्राफ पेपर लेना है उसके ऊपर आपको ये लाइन खींचनी है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, एंड वर्टिक एंड लेबल द वर्टिकल्स रो विद द नंबर्स एंड हॉरिजॉन्टल रो विद द नंबर्स आर letters. Draw some small circle randomly on points where these horizontal and vertical lines intersect each and name this small circle as A B C D. यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं ये ग्राफ पेपर पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन खींची हुई है और जहाँ पे ये दो लाइन एक जगह पे कट होती है यहाँ पे आपको स्मॉल सा सर्कल बनाना है और उस सर्कल को बारी बारी से A B C D E ऐसा आप नाम दे सकते हैं। लेट वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट ईस्ट लॉन्गिट्यूड एंड हॉरिजॉन्टल लाइन है वो नॉर्थ लैटिट्यूड्स एक्सप्लेन करता है। तो यहाँ पे जो वर्टिकल लाइन है वो ईस्ट लॉन्गिट्यूड को एक्सप्लेन करता है और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो नॉर्थ लैटिट्यूड को एक्सप्लेन करता है। नाउ यू विल सी दैट द सर्कल ए इज लोकेटेड ऑन बी डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 1 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द अदर सर्कल। उसी तरीके से आपको अपने हिसाब से अदर सर्कल्स का लोकेशन भी फाइंड आउट करना है जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है। और ये यहाँ पे ये जो फिगर है वो आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड के अलग अलग जो प्लेसेस है वहाँ का टाइम जोन है काउंट किया हुआ है। अब लॉन्गिट्यूड का एक अलग और भी एक यूजफुल है कि लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, हाउ कैन वी फाइंड आउट द टाइम विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूड, वी विल लर्न अबाउट दिस इन दिस पैराग्राफ। द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाय अ मोमेंट ऑफ द अर्थ। ये अर्थ की एक बेस्ट मोमेंट थी क्योंकि अगर ये पता चल जाए, क्योंकि पहले के टाइम पे क्या था कि प्रॉपर टाइम नहीं था, तो ये एक बेस्ट मोमेंट थी जब लॉन्गिट्यूड की हेल्प की मदद से वी कैन इजिली फाइंड आउट द टाइम। द मून एंड द प्लैनेट्स, द सन इज रेगुलरली लाइज इन अ सेट एवरी डे एंड नॉर्मली इट इज द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो पहले के टाइम पे क्या होता, सन है वो रेगुलरली राइज और सेट्स होता है, तो वो बेस्ट टाइम कीपर है थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है। लोकल टाइम कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द शेडो कास्ट बाय द सन विच इज द शॉर्टेस्ट एट नून एंड लॉन्गेस्ट एट सनराइज एंड सनसेट। When the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along the meridian will have midday or नून। मतलब कि ये जो प्राइम मेरिडियन है ग्रीनविच पे, अगर वहाँ पे वो हाईएस्ट पॉइंट पे आ जाता है तो वहाँ पे जितने भी प्लेस उस टाइम पे लोकेट किए होते हैं तो उस जगह पे उस टाइम पे मिड डे या फिर नून यानी कि दोपहर होती है। एज द अर्थ रोटेट फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, उसी तरह अगर अर्थ वेस्ट टू ईस्ट में रोटेट होता है, दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम, दोज ऑट टू द वेस्ट विल बी बिहाइंड। द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेट एज फॉलो। जैसे कि अर्थ वेस्ट टू ईस्ट में रोटेट होता है उस टाइम पे जो ग्रीनविच से के ऊपर का जो पोर्शन है और ग्रीनविच के जो नीचे का पोर्शन है उन दोनों के टाइम में डिफरेंसेस होते हैं एंड द डिफरेंस कैन बी कैलकुलेट एज फॉलो। द अर्थ रोटेट 360 डिग्री अबाउट 24 आवर्स, यानी कि अर्थ है उस अपना एक ही रोटेट पोर्शन 24 आवर्स में 360 कंप्लीट करता है, विच मीन्स 50 डिग्री एन आवर एंड 1 मिनट फॉर 1 डिग्री फॉर अ मिनट। इट मीन्स कि 15 डिग्री में वो एक आवर खत्म करता है और 1 डिग्री की 1 मिनट होती है। देन वेन इट्स 12 नून एट अ ग्रीनविच, सपोज सोचिए कि अगर ग्रीनविच के टाइम पे 12 नून हुआ है तो द टाइम 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी 15 × 4 बिकॉज वाई बिकॉज इट कन्वर्टेड इन टू मिनट्स सो इट्स कॉल्ड 60 मिनट्स। इट मीन्स 1 आवर अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम विच मीन्स 1 PM। मीन्स जो ये ग्रीनविच है उसके ऊपर का जो पोर्शन है वो ऑलरेडी 1 घंटा आगे होगा, बट एट 15 डिग्री वेस्ट ऑफ ग्रीनविच द टाइम विल बी बिहाइंड ग्रीनविच
टाइम बाय वन आवर इट विल बी 11 AM। तो इस कैलकुलेशन के बाद ये पता चलता है कि सपोज अभी जो ग्रीनविच पे 12 बजे हैं, तो ये कैलकुलेशन की मदद से जो ग्रीनविच के ऊपर वाला जो पोर्शन है वहाँ पे 1 o'clock मतलब कि 1 घंटा आगे, और ग्रीनविच के नीचे यानी कि बियॉन्ड वाला जो पोर्शन है वहाँ पे 11 AM हो रहा है। सिमिलरली एट 180 डिग्री इट विल बी मिड नाइट वैन इट इज 12 noon एट अ ग्रीनविच। जैसे कि 180 डिग्री पे अगर 12 noon हुए हैं तो इट विल द मिड नाइट एट एनी प्लेस। At any place, a watch can be adjusted to read at 12 o'clock when the sun is at the highest point of the sky. When it is midday, मतलब कि कोई भी प्लेस पे अगर सन हाई पोर्शन पे हो तो वहाँ पे 12 o'clock when the sun is highest portion, the time show by such a watch will give the local time for that place. And you can see that all the places on a given meridian of a longitude and have the same local time. And our last and the final topic is why do we have a standard time? अभी तो यहाँ पे हमने बोला कि particular place का time हमने calculate करके locate कर लिया, फिर हमें स्टैंडर्ड टाइम की क्यों ज़रूरत हुई? तो द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू डिफर। क्यों? क्योंकि जो एक दूसरे का जो प्लेस का टाइम होता है वो डिफर होता है। कैसे कि फॉर एग्जांपल इट विल बी द डिफिकल्ट टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर ट्रेन विच क्रॉस द सेवरल लॉन्गिट्यूड्स इन इंडिया। फॉर इंस्टेंट देर विल बी अ डिफरेंस अबाउट 1 hour and 45 minutes इन द लोकल टाइम ऑफ द्वारका इन गुजरात एंड डिब्रूगढ़ इन आसाम। सपोज के देखिए यहाँ पे दो प्लेस है, एक है द्वारका जो गुजरात में है और दूसरा है डिब्रूगढ़ जो आसाम में है। उन दोनों का जो टाइम का डिफरेंस है उन बीच का टाइम का डिफरेंट है 1 hour and 45 minutes। सपोज द्वारका से निकलती हुई ट्रेन अगर डिब्रू में जाएगी तो उसका कौन सा पर्टिकुलर टाइम होगा वो उसके टाइम के हिसाब से हम इजीली फाइंड आउट नहीं कर सकते। देयर फॉर द नेसेसरी टू एडॉप्ट द लोकल टाइम टू सम सेंट्रल मेरिडियन ऑफ कंट्री एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द कंट्री। इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 degree 1/2 degree ईस्ट इज ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन। यहाँ पे आपको एमसीक्यू के लिए भी ये इजीली हो सकता है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द लॉन्गिट्यूड ऑन मेरिडियन, तो इट इज द 82 degree 1/2 इन ईस्ट। And the standard, the local time at the meridian is taken the standard time for the whole country. और ये जो standard time है पूरी country के लिए एक ही रहेगा। It is known as the Indian Standard Time, stand for IST. यहाँ पे अगे कबीर का एक एग्जाम्पल है, मैं आपको शॉर्टली एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कबीर लिव इन अ स्मॉल टाउन नियर भोपाल। ही टेल हिज फ्रेंड्स आलोक दैट दे विल नॉट एबल टू स्लीप टू नाइट। A day and night cricket match between India and England started at 2 p.m. in London. This means that the match would be begin at 7:30 p.m. in India and finish well into the night. तो यहाँ पे ये दो फ्रेंड्स हैं वो आपस में बात कर रहे हैं कि कबीर है और दूसरा आलोक है। कबीर है जो भोपाल में रहता है, तो आलोक को बोलता है कि आज तो हम पूरी रात सो नहीं पाएगी। उसने बोला क्यों? बिकॉज देर आर द मैच बिटवीन द इंडिया एंड इंग्लैंड एंड अकॉर्डिंग टू इंडिया इंग्लैंड टाइम अकॉर्डिंग और मैच है लंडन में, तो अकॉर्डिंग टू लंडन द मैच स्टार्टेड इन 2 PM एंड दैट एट दैट टाइम द इंडिया 7:30 PM द मैच विल बी फिनिश एट द नाइट। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन। तो डू यू नो वॉट इज द टाइम difference between Indian and England? So India located east of Greenwich 82.30 east is 5 hours and 30 minutes ahead of GMT, मतलब के वो उससे जो Greenwich meridian time है उससे 5 hours and 30 minutes आगे है। And so it will be the 7:30 pm in India and it will उस time पे London में कौन सा time होगा 2 PM। Some countries have a great longitudinal extent and so they have adopted more than one standard time. कहीं भी कंट्री में ऐसा हो तो एक से ज़्यादा भी स्टैंडर्ड टाइम। फॉर एग्जाम्पल इन रशिया देर आर एज मैनी एज 11 स्टैंडर्ड टाइम्स। द अर्थ हैज बीन डिवाइडेड इन टू 24 टाइम जोन ऑफ 1 hour ईच। तो जो ये अर्थ है उसको 24 टाइम डिवाइड किया है 24 टाइम जोन में। ईच जोन कवर द 15 ऑफ लॉन्गिट्यूड। और इस चैप्टर के थ्रू यू कैन ईजिली फाइंड आउट हाउ टू लोकेट द प्लेस ऑन द अर्थ। थैंक यू।